और जिक्र तबाही की बारिश का, खबर देहरादून से है बड़ी खबर। आपदा को लेकर बस्तड़ी को छोड़कर तमाम आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य पूरा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। उप सचिव आपदा प्रबंधन संतोष बड़ोनी का बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि बस्तड़ी में मलबा ज्यादा है, इसीलिए वहां से मलबे को हटाने में दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन बाकी और जगहों पर रास्ता क्लियर है, तमाम चीजें सामान्य बना दी गई है, राहत और बचाव कार्य लेकिन अभी और जारी रहेगा क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि मलबा अभी भी पड़ा हुआ है। और इधर पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र बस्तड़ी में महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है क्योंकि मलबा लगातार कई दिनों से जमा है और इसीलिए यहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो और ज्यादा एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है क्योंकि यहां महामारी का खतरा पैदा हो गया है। पिछले 3 दिनों से यहां से शवों को निकालने का काम तो जारी है लेकिन अभी भी मलबा यहां पर पड़ा हुआ है, 13 शव अभी भी मलबे में दबे हैं और दर्जनों गाय बकरी भी मलबे की चपेट में है, भारी तादाद में शव मलबे में दबे हैं, इसी वजह से महामारी फैलने की अब दिक्कत यहां पर नजर आ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव भी शुरू कर दिया है और इस इलाके में पेयजल स्रोतों में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। इधर जिन गांवों में इस इलाके से पानी आता है वहां भी एहतियातन दवाइयां पहुंचा दी गई है। जो बस्तड़ी में आपने भी विजिट किया था, आपने जो देखा था जो एरिया प्रभावित है उसमें पशु भी दबे हुए हैं, मानव शव भी हैं, तो उसके कारण आसपास बीमारियां न फैले, उसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पे आवश्यक दवाइयां भी छिड़काव कराएं और स्पेशल मेडिकल टीम भेज के वहां के जो आसपास के निवासी हैं उनको अगर कोई बीमारी का खतरा है तो उन्हें भी आवश्यक दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। साथ ही पेयजल विभाग के लिए भी जो पेयजल स्रोत है उसमें दवाइयों का छिड़काव ताकि बीमारियाँ न फैल पाए। तो बस्तड़ी में प्रशासन के खिलाफ अब लोग नाराज भी हैं और ये गुस्सा नजर भी आ रहा है, शवों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और इसी से परिजन नाराज हैं। उन्होंने सड़कों पर ही अब शव रख दिए हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक मंजर भी है। दरअसल ये शवों को सड़क पर रखकर ही अब लोग हंगामा कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि प्रशासन ने पहले शवों का पोस्टमार्टम कराने में देरी की और अब दाह संस्कार के लिए लकड़ियों तक का इंतजाम प्रशासन के पास नहीं है। काफी देर बाद प्रशासन ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम किया है और इसी के बाद अब लोग शांत नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आपदाग्रस्त डीडीहाट तहसील में लंबे समय से उपजिलाधिकारी का पद खाली है, स्थानीय अधिकारी यहां पर नहीं है और इसीलिए प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हुआ है।